परिषद के सभी पदाधिकारी गण माँ त्रिवेणी संगम में प्रार्थना किया, गंगा पूजन किया। उद्देश्य है कि पहले यहाँ माघ मेला संपन्न हो और फिर 2021 का कुंभ मेला बिना विघ्न के संपन्न हो। आज का उद्देश्य ये भी है कि कोरोना काल के कारण कुंभ मेला 2021 हरिद्वार में कुछ प्रश्न लगाए गए थे, लेकिन जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने माघ मेले की शुरुआत, क्योंकि लोगों को संशय बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, परंपरा का पालन होना चाहिए, तो सारे क्लब पास सारे संत महात्मा यहाँ अपना अपना टेंट लगा करके तपस्या करेंगे, तब करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हम सब संतों की तरफ से आभार धन्यवाद। उसी तर्ज पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने कहा है कि हम भी कराएंगे, तो उनकी एक टीम आने वाली थी, किसी कारणवश नहीं आ पाई है, वो अभी शायद 2-3 दिन बाद आएगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड का 2021 का महाकुंभ सकुशल संपन्न होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि विधिवत दिव्य मेला करेंगे, टेंट लगाएंगे, इसलिए यहाँ की तर्ज पे लगेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ आ जाए। पूजन करके क्या कामना की? बस यही कामना की है कि हे गंगा मैया, आप पहली बात तो कोरोना से देश ही नहीं पूरा विश्व मुक्त हो जाए, और माघ मेला और 2021 कुंभ मेला हरिद्वार सकुशल संपन्न। ठीक।